हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज एक रिव्यू लेकर आई हूँ जो कि हमारे लिए सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है इस तरह की वीडियो आपने पहले भी देखी होगी। मैं इसमें आपको बहुत सारी बातें बताने वाली हूँ। तो ये मेरा रिव्यू है डव साबुन के बारे में, या वो डव का सोप जिसका मैं रिव्यू करने वाली हूँ। इसके बारे में बहुत सारी बातें बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए ना, तो इसको लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और एक और जरूरी बात, अब मेरे चैनल में बेल आइकन मुझे मिल चुका है, तो मेरे चैनल के बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आपके मन में ये बात है ना कि फेस के लिए सबसे अच्छा फेस वॉश ही होता है, तो सबसे पहले तो ये बात अपने दिमाग से निकाल लीजिए, ये बिल्कुल मीथ है। खासकर अगर मैं डव साबुन के बारे में बताऊंगी ना, तो आपको मेरी बात सच लगेगी। क्योंकि देखिए, जैसे कोई भी फेस वॉश होते हैं ना, जैसे मैं भी बहुत सारे फेस वॉश अपने फेस पर ट्राई कर चुकी हूँ, बहुत सारे फेस वॉश बदलती रहती हूँ। तो अभी क्या हुआ ना, कुछ दिन से मेरा फेस वॉश खत्म हो चुका था और मैंने एक सोप ट्राई करने का सोचा। तो फिर मैंने नेट पर सर्च किया कि फेस के लिए सबसे अच्छा सोप कौन सा है। तो बिलीव करो, बहुत जितना भी सजेशंस आए ना, सब डव सोप को लेके थे। तो मैंने सोचा चलो इसे कुछ दिन के लिए ट्राई करके देखा जाए, उसके बाद इसके रिव्यू दूंगी। तो मैंने इसे कुछ दिन के लिए ट्राई किया, लगभग मैं 1 month से यूज़ कर रही हूँ और इतना बेस्ट रिजल्ट इसका है ना, तो मेरी स्किन इतनी स्मूथ हो गई है। जबकि सर्दियों में ना, खासकर मेरे साथ ये वाली प्रॉब्लम होती थी कि जब मैं पूरा अपना डेली रूटीन मतलब स्किन केयर कर लेती थी ना, उसके बाद ही कुछ देर के बाद ना मेरे चेहरे पर एक रूखापन नजर आता था, जो कि मुझे खुद फील नहीं होता था, लेकिन देखने वाले लोग बता देते थे कि इस बार ना मेरे साथ ये वाली प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि मैंने ये डव का सोप लगाया था। अब इसके बारे में मैं आपको बताना शुरू करती हूँ। तो ये है डव का क्रीम ब्यूटी बाथिंग बार। देखिए, कंपनी ने पहले ही ये चीज क्लियर कर दी है कि ये क्रीम ब्यूटी बाथिंग बार है। मीन्स कि जिस तरह से फेस वॉश होते हैं ना, ये भी उसी तरह की चीज है, सिर्फ वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं और ये सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, उसके बाद ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। तो सर्दियों की बात करूँ या गर्मियों की बात करूँ, ये दो मौसम है ना, खासकर हमारे स्किन को ना बहुत ज़्यादा मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, क्योंकि इन दोनों ही मौसम में ना सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारे स्किन पर ही पड़ता है। तो ये नंबर 1 डर्माटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड सोप है, जो कि आपको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, तो आप इसे डेफिनेटली लगा के ट्राई कर सकती हैं। ये बहुत ही अच्छा सोप है, खासकर अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना, तो उनके लिए ये वाला सोप तो आपको जरूर रखना चाहिए। इसको यूज़ करने के बाद ना एक्स्ट्रा आपको कोई बेबी सोप खरीदने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये बच्चों की स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छी रहती है। पीछे लिखा हुआ है ना, डव इज नॉट ए सोप, इट्स अ ब्यूटी बार। तो कंपनी ने ये भी क्लियर कर दिया है कि ये सोप नहीं है, ये ब्यूटी बार है। मीन्स की खासकर ये हमारे ब्यूटी को निखारने के लिए ना, ये ना बहुत ही अच्छी है। इसको यूज करने से आपके फेस पे किसी तरह के पिंपल, एक्ने, ड्राइनेस या किसी तरह के भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई करके देख सकती है। इसमें 1/4 मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, तो इसमें मॉइस्चराइजर भी मिला हुआ है कि इसमें आपके पैसे ही बचेंगे। आपको एक्स्ट्रा किसी भी मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लगाने से ना दिन भर में सिर्फ आप इसे 2 बार लगाएंगे ना, तो दिन भर के लिए आपका फेस और आपकी स्किन मॉइस्चर रहने वाला है, वो भी दिन भर के लिए। उसके बाद आप अपना डेली रूटीन में जो भी स्किन केयर करती है ना, वो कर सकती हैं। उसके बाद लिखा है, दिस ब्यूटी बार केयर फॉर योर स्किन लिविंग इट सॉफ्ट एंड स्मूथ। तो इसको लगाने से ना आपकी स्किन स्मूथ और सॉफ्ट रहेगी, ये मैंने पहले ही बता दिया था। ये आपको अलग अलग वेट में ये मार्केट में मिल जाएगी, लेकिन अगर इस वाले की बात करूँ तो ये 100 ग्राम का है। और अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स इसी तरह के दिए हुए हैं, जिससे कि आपकी स्किन रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। और सबसे अच्छी बात है ना कि देखिए, जैसे फेस वॉश होते हैं ना, उसको ज़्यादातर हम सिर्फ अपने फेस पर लगाते हैं, तो क्या होता है ना, हमारा फेस तो वो तो मॉइस्चर मिलता है, लेकिन हमारी बॉडी रह जाती है, जिसमें कि हम अलग सोप लगाते हैं जो कि हमारे स्किन से मॉइस्चर को निकाल देता है और हमारी स्किन दिन भर ड्राई लगती है। तो इसे आप पूरी बॉडी पर लगा सकते हैं, इवन आप इसे अपने बालों पर भी लगा सकते हैं, इससे रूसी की प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है। तो आप इसे एक बार अपने बालों पर लगा कर जरूर ट्राई करें। बालों पर किस तरह से लगाना है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, लेकिन इसमें एक्सप्लेन करके मैं बता पाऊंगी। प्राइस की बात करूँ तो ये 40 रुपीज़ का है, जो कि बहुत ही रिजनेबल प्राइस है, क्योंकि इसमें आपका मैं पहले बताई ना, आपका मॉइस्चराइजर का खर्च बचने वाला है। तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकती है। मैन्युफैक्चरिंग डेट की बात की जाए तो देखिए, ये 7/8/2021 को पैकिंग हुआ है, मीन्स कि सितंबर के महीने में इसकी पैकिंग हुई है। और इसकी एक्सपायरी डेट की बात करूँ तो 2024 तक का इसका डेट है, तो ये बहुत लंबा समय तक बिल्कुल अच्छे से रहने वाला है। अभी ये वाली सोप एक बार जरूर ट्राई करके देखें, और आपको इसका किस तरह का रिजल्ट आया है प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरी सारी वीडियोज़ जरूर देखिएगा। बाय।